Yes, children, in today's class, let us start with question number 4 of exercise 2.5. The topic is linear equations in one variable. The question is solve the following linear equation and verify the result. The question is x minus 5 upon 3 is equal to x minus 3 upon 5. So first step is we will cross multiply it. 5 idhar le jayenge, 3 idhar le ke aayenge. So we get 5 into x minus 5, ये 5 इधर चला गया, equal to ये 3 इधर गया, तो it becomes 3 into x minus 3, ठीक है? अब ये जो 5 है, ये इस x से भी multiply होगा, और ये इस 5 से भी multiply होगा, ठीक है? तो ये हो गया 5 into x is what? 5x माइनस 5 इंटू 5 इज 25 इज इक्वल टू, अब ये जो 3 है ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x इज 3x माइनस 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है? अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो हम क्या करेंगे, हम इस 3x को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ ये प्लस 3x था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x, तो हम इसे लिख लेते हैं 5x माइनस 3x। अब ये जो माइनस 25 है इसे हम लेफ्ट से राइट में ले आते हैं, तो माइनस 25 क्या बन जाएगा, प्लस 25 इज इक्वल टू, ये जो माइनस 9 था ये तो एज इट इज रहा, और ये माइनस 25 बन गया प्लस 25, ठीक है? अब 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू, अब ये ऑपोजिट साइंस है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 और 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 16, बड़ा नंबर 25, साइन इज प्लस, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकालनी है तो 2 हटाना है, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम 16 अपॉन 2, इसको कट करके सॉल्व कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू ऑफ x है दैट इज 8, ऑल राइट, x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, हमने निकाली 8। अब हम करते हैं वेरीफाई, पहले LHS, LHS क्या है हमारा, x माइनस 5 अपॉन 3, ठीक, सो वी पुट x इज इक्वल टू 8, x जहाँ लिखा है वहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो LHS इज इक्वल टू व्हाट, 8 माइनस 5 अपॉन 3, 8 माइनस 5 अपॉन 3, 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 अपॉन 3, एंड 3 अपॉन 3 इज व्हाट, 1, 1 अपॉन 1 इज 1, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो LHS है, LHS इज 1। अब हम RHS निकालते हैं, RHS क्या है, x माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है, अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 8, तो RHS क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 अपॉन 5, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 अपॉन 5, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा, सो 1 अपॉन 1 इज 1, इसका मतलब क्या है, RHS कितना हो गया, RHS हो गया 1, ये देखो RHS 1 हो गया, और यहाँ हमने पहले LHS भी निकाला था 1, दोनों सेम है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, इज दिस क्लियर, राइट,
So with this I wind up. In the next class I shall take up question number 5.